हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। सो, आज मैं फिर से हाजिर हो गई हूँ एक और नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को कुछ सुंदर सुंदर से प्लांट्स दिखाने जा रही हूँ। सो, वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है, कृपया करके वीडियो को फुल वॉच करिए। सो, सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को दिखा रही हूँ एंथूरियम, और ये सड़ चुका है तो मैं इसको इस तरह से निकाल लूँगी। पहले तो मैंने इसको तोड़ने की कोशिश की, लेकिन फिर बाद में ये नीचे से ही निकल के ऐसे बाहर आ गया। सो, ये यहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा सुंदर कलर्ड एंड ग्लॉसी एंथूरियम देखने को मिल रहा है। आप इनके लीव्स का साइज़ देखिए गाइस, कितना ज़्यादा बड़ा है लीव्स का साइज़, और एंथूरियम के जो फूल है उसका भी साइज़ बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। देखिए कितने ज़्यादा ग्लॉसी भी है और एंड शाइनी भी, बहुत ही ज़्यादा चमक रहे हैं। जब ये मैच्योर्ड हो जाते हैं तो ये कुछ इस तरह के दिखते हैं। सो, ये है एंथूरियम का कलेक्शन, और भी बहुत सारे एंथूरियम है, मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगी। ये देखिए, इसका कलर बहुत ही ज़्यादा ब्राइट एंड बहुत ही ज़्यादा ग्लॉसी है। इसके नीचे भी कुछ सिंगोनियम के प्लांट्स हैं, आई थिंक ये थोड़ा पिंक कलर वाला सिंगोनियम है, और नीचे भी कुछ सीनरी प्लांट्स हैं, रबर प्लांट भी है यहाँ पर। ये सेंसिवीरिया का येलो कलर्ड वाला प्लांट बहुत सारा यहाँ पर है, और इन्होंने बहुत सारे बेबी प्लांट्स भी दिए हैं। दिस वन इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, ये प्लांट थोड़ा सा अलग लगा मुझे। ये देखिए, ये वाला प्लांट भी जैसे मेरी नर्सरी में भी आप लोगों को दिखाया था, और जब प्रोपगेशन किया था तभी दिखाया था। ये वाला देखिए, इसका नाम नहीं पता मुझे, ये नया कुछ सीनरी देखने को मिला है। अगेन यहाँ पर रबर प्लांट, और ये लियोपर्ड लिली। सो, लियोपर्ड लिली बहुत सारे हैं, मैं यहाँ से अपने घर पर लेकर जाऊँगी जाते समय। और इस तरफ मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ ये स्पाइडर प्लांट, और यहाँ पर ढेर सारे जेरेनियम के कलेक्शन है। अभी तो उनमें फ्लावरिंग स्टार्ट नहीं हुई है, सो वी डोंट नो द कलर ऑफ दीज जेरेनियम्स, बट व्हेन दे स्टार्ट फ्लावरिंग आई विल डेफिनेटली शो यू ऑल। सो, यहाँ पर कैलेथिया, आई थिंक ये कैलेथिया की ही वेराइटी है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा प्लांट। एंड दिस वन इज़ फर्न, आई डोंट नो द स्पीशीज ऑफ दिस फर्न, एंड दिस वन इज़ बेगुनिया। सो, वाइट कलर का बेगुनिया मेरे पास नहीं है, सो इसे भी ले जाना पड़ेगा यहाँ से। एंड ये वाला प्लांट भी है यहाँ पर, आपको दिख रहा होगा। एंड एंथूरियम अगेन, एंथूरियम बहुत सारे हैं गाइज यहाँ पर, और बहुत प्रिटी प्रिटी कलर्स के हैं। एंड जेरेनियम्स आर ऑल्सो देयर, आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए, ये प्लांट भी है। एंड यहाँ पर देखिए, चाइनीज़ मनी प्लांट बहुत सारे हैं। सो, एक तो मैं लेकर ही जाऊँगी, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल सा है। एंड जो चाइनीज़ मनी प्लांट है वो दूसरे जो नॉर्मल मनी प्लांट होते हैं उसके हिसाब से थोड़ा सा एक्सपेंसिव रहता है। और उसके साथ साथ बगल में स्पाइडर प्लांट भी है। सो, ये वाला जो चाइनीज़ मनी प्लांट है, ये मेरे पास अभी मतलब ये एक या फिर दो ही है, क्योंकि बरसात के मौसम में वो थोड़ा सा ख़राब हो गया था। बरसात का मौसम तो नहीं आया था, लेकिन एक दिन अचानक से जब बारिश हो गई थी तो ये ख़राब हो गया था। और ये एक और है, ये भी सकुलेंट है। ये देखिए, पेपरोमिया। सो, मेरा वाला तो सारा मर गया, लेकिन यहाँ पर बाकी है, और ये एक और सकुलेंट। सो, यहाँ पर इस तरफ प्लांट का ये कलेक्शन है, और यहाँ पर भी ये देखिए, रिबन प्लांट कितने सारे हैं। इस तरफ देखिए, ये एक वेरीगेटेड प्लांट है, इसका नाम नहीं पता मुझे, और ये ऑक्टोपस प्लांट जिसे हम चीन प्लांट भी कहते हैं। तो ये कितना बड़ा हो रखा है, और इनके कितने सारे हाथ यहाँ पर देखिए, कितने सारे हाथ हैं। इस तरफ एक और वेरीगेटेड प्लांट है, बहुत ही ज़्यादा प्रिटी सा, ये एकदम गोल सा इसे कटिंग करके बनाया है, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। ये मेरे पास भी है, और मेरे पास लेकिन एक ही है, तो अब मैं इसको लेकर जाऊंगी और बहुत सारा बनाऊंगी। तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल सा लगा, वेरीगेटेड फॉर्म में इतना ज़्यादा सुंदर। सो, वेरीगेटेड कोई भी प्लांट हो बहुत ही ज़्यादा प्रिटी दिखता है, और उसका प्राइस भी हाई हो ही जाता है। अगर वो नॉर्मल ग्रीन कलर का है तो उसका इतना प्राइस नहीं रहता, लेकिन अगर वो सपोज़ करके वेरीगेटेड है तो उसका प्राइस बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। ये है वाइट कलर्ड बेगोनिया,
सो इस तरफ है लीजे बीजे, इनके देखिए सीट्स यहाँ पर रप्चर भी हो गए, मैंने बस तोड़ा था तो यहाँ पर मैं रख देती हूँ। तो जो लीजी बीजी है आप इनको प्रोपगेशन कर मतलब कि प्रोपगेशन स्टेम कटिंग के थ्रू भी कर सकते हैं, ब्रांचेस के थ्रू भी कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आप सभी लोगों को ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा और आपको मैंने सुंदर सुंदर से प्लांट्स दिखाया है। तो जैसे कि मैंने बताया था गाइस, वीडियो अच्छी होगी। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सब लोग ये वीडियो को देख सके। और गाइस चैनल को सब्सक्राइब अगर करेंगे तो आपको बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़ देखने को मिलेंगे जिसमें आपको ढेर सारी जानकारी मिलेंगी। So see you guys in the next video. Tab tak ke liye bye bye guys, take care and stay safe, love you all.